हेलो, आज हम लोग अंडरराइटर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर ये सीखने वाले हैं, जो है TY BCom का 6th SEM का सिलेबस। उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि बेनिफिट टू ऑल अंडरराइटर एंड बेनिफिट टू सिंगल अंडरराइटर, इसका कैलकुलेशन और इसका फॉर्मेट कैसे किया जाता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला है, हम लोग को ऑथराइज कैपिटल बोला है 25 लाख और डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 15 25 ईच। इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल का कोई रोल नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसके आगे हम लोग को बोला गया है कि ईच इक्विटी शेयर इज ऑफ 25 ईच। The company issue and subscribe 25,000 share at a premium of 10 rupees. The entire issue was underwritten as follow. यहाँ पे हम लोग को प्रीमियम का जिक्र किया है, लेकिन हमें ये नहीं कैलकुलेट करना है कि प्रीमियम किस बंदे को कितने हिसाब से पड़ा। हम लोग को ये देखना है कि कंपनी ने कितना शेयर अंडरराइटिंग करके रखा था। यहाँ पे हम लोग को लिस्ट ऑफ अंडरराइटर्स दिए। अब जो ये कंपनी है, उन्होंने 3 अंडरराइटर को बुक किया था, ए बी एंड सी। और ए बी सी का काम क्या था कि भाई 15,000 ए लेगा, 7,500 और 2,500 बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये इतने शेयर इन लोग को बेचने थे। अगर इतने शेयर नहीं बेच पाए वो, या फिर इससे कम बेचे, तो ए को कंपलसरी 2,500 शेयर लेना पड़ेगा, बी को कंपलसरी 1,500 शेयर लेना पड़ेगा और सी को 500 शेयर लेना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट्स हम लोग को दिए, ये शेयर होते हैं हमारे GL, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी, आउट ऑफ विच द टोटल इशू वॉज 2,500 शेयर इंक्लूडिंग, ये इस सम का हार्ट है, इंक्लूडिंग वेयर द सब्सक्रिप्शन द फॉलोइंग वर द मार्क्ड फॉर्म। यहाँ पे दो होते हैं, एक अनमार्क एप्लीकेशन एंड दूसरा मार्क एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन थे 8,000, 5,000 और 2,500। अब इसका एक्चुअल सम हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये सम को शॉर्ट एनालाइज करते हैं, ठीक है। कंपनी को कितना शेयर इशू करने का था, 25,000। तो उन्होंने 3 बंदों को अपॉइंट किया, ए बी एंड सी, जिसमें से ए ने बोला मैं 15,000 बेचूंगा, ये 7,500 और ये 2,500। ये हो गया हमारा ग्रॉस लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग मतलब कि अगर ये 15,000 में से सपोज कुछ ही शेयर बेच के और बाकी बच गए, तो 2,500 तलक का मिस्टर ए को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी एंड सी का था 2,500, 1,000 और 500। अब हम लोग को फाइंड करना है मार्क एंड अनमार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, अनमार्क एप्लीकेशन हम लोग को फाइंड करना होगा, जो होगा कुछ ऐसा। मार्क एप्लीकेशन लेस फॉर्म अंडरराइटिंग। अगर क्वेश्चन में हम लोग को बोला है इंक्लूडिंग, तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। इसमें आपका मिस्टर ए बी एंड सी, जिसका है मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, 5,000, 2,500, लेस 2,500, 1,500, 2,000, 4,000,
5,500. ये हो गया शॉर्ट परफॉर्मा. अब हम लोग एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे. ये हो गया हमारा शॉर्ट एनालिसिस. अब हम लोग एक्चुअल सम की तरफ बढ़ेंगे, जिसका परफॉर्मा कुछ इस तरह बनने वाला है. लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटरी पर्टिकुलर ए बी सी एंड टोटल, क्योंकि हम लोग को तीन पार्टनर बोला है इसलिए हमने तीनों पार्टनर का नाम लिखा है. अब एक्चुअल सम स्टार्ट करते हैं. हम लोग को पहले बोला था ग्रॉस लाइबिलिटी. क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी थी 15,000, 7,000, 7,500, 2,500. तो हम लोग ने 15,000, 7,500, 2,500 और उनका ग्रैंड टोटल ये निकाला. उसके बाद मार्क एप्लीकेशन. मार्क एप्लीकेशन भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया था 8,000, 5,000, 2,000, लेकिन उसमें इंक्लूड था फॉर्म अंडरराइटिंग. इसीलिए अब हम लोग जो मार्क एप्लीकेशन लेंगे वो होगा ये अमाउंट. ये होगा अपना मार्क एप्लीकेशन 5,500, 4,000, 2,000. इनको हमको लेस करना है. लेस करने के बाद आपका आंसर आएगा 9,500, 3,500, 500. अब लेस करना है हमको अनमार्क्ड ये अनमार्क एप्लीकेशन हमको मिलेगा. कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है 2,000, 22,500, जिसमें से इतने शेयर मार्क थे. ये सब का टोटल देखिए कितना होता है. कैलसी पे लेते हैं हम लोग 8,000, 5,000, 2,500, 15,500 less. कंपनी ने इशू किया था 22,500. 7,000 जो बचा है ये हमारा अनमार्क एप्लीकेशन है. तो इस 7,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के रेशो के हिसाब से. अब रेशो कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल है. रेशो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर देंगे. जो हम लोग का ग्रॉस लाइबिलिटी दिया है इसमें से हम लोग 0,000 कट कर लेंगे. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 30,000. तो हमारा रेशो हो गया 30:15:5. तो अब इस 7,000 को डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 50, 4,200. यही 4,200 मैंने यहाँ पे लिखा है अनमार्क एप्लीकेशन की जगह पे. फिर सामने वाला फिर से वही कैलकुलेशन 7,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 50, 1,200, 2,100 कैलकुलेशन 700. इतना होने के बाद फिर से हमको इसको लेस करना है. लेस करके हमारा ये आंसर आएगा. यहाँ तक सम इजी है. उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इंक्लूडेड वाला सम था तो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी इंक्लूड किया था ऊपर. तो हम लोग यहाँ से उसको लेस करेंगे. तो जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था फॉर्म अंडरराइटिंग वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसको लेस करके हम लोग को ये अमाउंट मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सरप्लस मिल रहा है या फिर क्रेडिट एडजस्टमेंट, जिसको हमको ये दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर उनके रेशो के हिसाब से. अब उनका रेशो कितना था 30 और दूसरे बंदे का था 15, तो 45 हो गया टोटल रेशो. तो
700 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 45, राउंड अप करेंगे इसको 233, ये आ गया आपका 233। दूसरा कैलकुलेशन 4467। फिर यहाँ पे हम लोग फिर से लेस करेंगे, आपको ये बैलेंस मिलेगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग का अमाउंट। फॉर्म अंडरराइटिंग का अमाउंट ये क्वेश्चन में दिया होगा। इनको ऐड करने के बाद आपका ये जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी। जो हर बंदे को अभी अगर मिस्टर ए ने 15,000 से कम शेयर खरीदा है तो उनको इतना शेयर अपने पॉकेट से खरीदना होगा। ओवरऑल सम यही है, ये सिंपल कैलकुलेशन वाला सम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।